पांच फिर है ना चैप्टर नंबर टू बिलियन मतलब सॉल्यूशन का है ना वीडियो नंबर टू चलते हैं विलायकों की भौतिक पर व्यवस्था के आधार पर है ना। पहला नंबर गैसीय विलयन, वह विलयन जिसमें विलायक गैस की अवस्था में पाया जाता है। कौन अवस्था में पाया जाता है? गैस की अवस्था में पाया जाए उसको क्या कहेंगे? गैसीय विलयन कहलाएगा है ना। गैसीय विलयन कहलाएगा है ना, मतलब विलायक क्या होगा? गैसीय अवस्था में पाया जाएगा। दूसरा नंबर है द्रव्य विलयन, वह विलयन जिसमें विलायक विलायक द्रव्य अवस्था में पाया जाता है। कौन अवस्था में पाया जाता है? द्रव्य अवस्था में पाया जाता है, द्रव्य विलयन कहलाता है। जैसे देखो चीनी और पानी को क्या मिलाएंगे? मतलब घोलेंगे है ना, तो क्या बन जाएगा? शरबत बन जाएगा। मतलब चीनी क्या हो गया? विलेय है। चीनी क्या है? विलेय है। पानी क्या है? विलायक है। दोनों के मिला देंगे तो क्या होगा? विलयन होगा। मतलब जिसका मात्रा क्या है? कम है। विलेय की मात्रा कम होना चाहिए, चीनी की मात्रा कम है, पानी की मात्रा अधिक है, इसलिए विलायक कहलाएगा। दोनों के मिला देंगे क्या हो जाएगा? विलयन हो जाएगा है ना। तो तीसरा नंबर ठोस विलयन, यदि किसी ठोस द्रव्य एवं गैस के आणविक कण है ना किसी अन्य ठोस में परिक्षेपित हो जाते हैं, मतलब परिक्षेपित मतलब अलग हो जाते हैं, मिल जाते हैं, ठोस विलयन कहलाता है। मतलब किसी दूसरे में जाके क्या हो जाएगा? मिल जाएगा। अब चलते हैं मेन टॉपिक, मेरा आ गया क्या थी? हेनरी का नियम है ना, ये सबसे नहीं है और भी आएगा बहुत सारा, रॉबर्ट का नियम बहुत सारा आएगा, हेनरी का नियम। स्थिर ताप पर मतलब क्या? ताप स्थिर होगा, टेम्परेचर स्थिर होगा, टेम्परेचर क्या होगा? अस्थिर होगा है ना। किसी गैस की द्रव्य में विलेयता गैस के दाब के क्या होगा? समानुपाती होगा। गैस और कौन सी? पानी है ना। देखो तो द्रव और गैस है ना, गैस है और द्रव को जी पानी है, दोनों क्या होगा? समानुपाती, द्रव के समानुपाती, समानुपाती। आगे चलते हैं हम लोग फिर सूत्र से चलते हैं, कौन से सूत्र से? एम समानुपाती पी, एम समानुपाती पी मतलब गैस की द्रव अवस्था विलेयता गैस के दाब के क्या होता है? समानुपाती होता है। अगर समानुपाती है तो बराबर करेंगे तो क्या होगा बाबू? बराबर करेंगे तो क्या हो जाएगा? इसको कहा जाता है के आ गया, के का मतलब क्या हो गया है ना? स्थिरांक कहते हैं या कांस्टेंट भी कहते हैं इसको। तो एम बराबर के इनटू पी, जहां हम देखते हैं एम क्या है? घुली हुई गैस की मात्रा, घुली हुई गैस की मात्रा। के क्या है? समानुपाती स्थिरांक या कांस्टेंट है ना। पी के मतलब गैस का दाब, गैस का दाब प्रेशर है ना। अब चलते हैं हेनरी के नियम की सीमाएं, तो सीमा क्या होना चाहिए बाबू? देखो तो पहला नंबर दाब अधिक ना हो, दाब अधिक हो जाएगा ज्यादा है ना, तो पी हेनरी का नियम पालन नहीं कर पाएगा है ना। दूसरा नंबर ताप बहुत कम हो, ताप बहुत कम ना हो ज्यादा कम ना ज्यादा अधिक हो, मतलब समान रूप में रहना चाहिए है ना। तीसरा नंबर गैस विलायक में बहुत कम विलेयता हो, मतलब गैस विलायक है ना जिसमें क्या बहुत कम विलेय हो, विलेय मतलब कौन सी? जिसका मात्रा कम हो है ना। ठीक है तो हम लोग फिर चलते हैं नेक्स्ट वीडियो, फिर आएंगे क्या आएंगे जो देखना है नेक्स्ट वीडियो में है ना।